फौजी, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। ये गेम 26 जनवरी को लॉन्च होने वाला है, यानी कि रिपब्लिक डे पर। अपने लॉन्च होने से पहले ही ये बहुत पॉपुलर हो गया है। इसके पॉपुलर होने की वजह जानेंगे और जनता को इसको मिलने वाला इतना रिस्पॉन्स और इतने प्यार की वजह जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिन 2 सितंबर 2020, इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी और टिकटॉक सहित 115 चाइनीज ऐपों को इंडिया में बैन कर दिया। इंडिया में पबजी खेलने वाले लाखों करोड़ों यूजर्स हैं, जिन पर सीधा असर पड़ा। पबजी अब इंडिया में बैन हो गया, जिसकी वजह से आप इंडिया में पबजी नहीं खेल सकते, तो लोग उसका अल्टरनेटिव ढूंढने लगे। इस मौके का फायदा उठाते हुए 4 सितंबर 2020 को बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने मल्टीप्लेयर गेम्स, जिसका नाम फौजी था, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स को लॉन्च किया। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मूवमेंट को सपोर्ट करता है। आत्मनिर्भर भारत, जिसमें हम जैसे पबजी है, पबजी जैसा ही कोई और गेम अपने देश में बनाते हैं और उससे अपने ही देश के जो बच्चे हैं वो खेलेंगे, उससे जो रिवेन्यू जनरेट होगा वो हमारे ही देश में रहेगा। और सबसे बड़ी खास बात इस ऐप की ये है, इस गेम की ये है, इस गेम से जो भी रिवेन्यू, यानी कि जो भी पैसा कमाएगी कंपनी, उसका 20% हमारे देश के सैनिकों के लिए जाएगा। इस गेम को इंडियन गेम डेवलपर एंड कोर गेम्स ने तैयार किया है, जो पूरी तरीके से भारतीय कंपनी है। फौजी पबजी की तरह एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है, जो जून महीने में भारत चीन सीमा पर स्थित गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है। फिलहाल इस गेम को एंड्रॉयड पर लॉन्च किया जा रहा है, बहुत जल्द इसे आईफोन और आईपैड पर भी लॉन्च किया जाएगा। इस गेम को हाई एंड मिड रेंज एंड्रॉयड फोन में खेला जा सकता है, मतलब 3 से 4 GB के रैम के बीच होगा तो चल जाएगा आसानी से। प्ले स्टोर पर फौजी गेम के लिए प्री रजिस्ट्रेशन नवंबर से शुरू किया गया। कुछ ही हफ्तों में 40 लाख से ज़्यादा प्री रजिस्ट्रेशन हो गए। ये गेम 26 जनवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इस गेम से जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। देखते हैं ये गेम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं, पबजी का अल्टरनेटिव साबित होता है या नहीं। पबजी कहा जाता है कि ये पबजी का बाप है, अब देखते हैं पबजी का बाप है या क्या है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 26 तारीख को ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और